और कल हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे हैक्टिक वीक में उसको मतलब ऑन दी डे ऑफ वेनसडे लिस्ट डाउन कर दिया था और उसकी हियरिंग स्टार्ट हो गई ठीक है तो वही बताया गया कि, कि फर्स्ट ऑफ हियरिंग सेंटर ने यही बोला कि जो हमने एट लाख रुपीज का जो इनकम कैप लगा के रखा है ना वो बेस्ट वे बे है वो सही तरीका है और सबसे सबसे अच्छा तरीका है जिससे पता लगा जा सकेगा कि हु विच पर्सन या विच इंडिविजुअल सबसे अच्छा तरीका गवर्नमेंट ने प्र है इन फ्रंट ऑफ दर्ट और सेंट्रल uh, गवर्नमेंट का सिंपल सा यही कहना है कि एट लाख रुपीज की क्राइटेरिया uh, हमने रख रखा है ईडब्ल्यू एस रिजर्वेशन के अंदर दट्स अ गुड थिंग और वन ऑफ दू आइडेंटिफाई द इंडिव्यूजल हुए रिजर्वेशन And one more thing, कल एडिटोरियम में पढ़ा भी था कि कुछ इश्यूज हैं एंड हमने पढ़े भी थे तो one of the major issues सामने आया था वो यही था कि हर स्टेट की इनकम अलग अलग है पर कैपिटल इनकम अलग अलग होती है हर स्टेट की तो आपको स्टेट वाइज बनाना चाहिए था जैसे बिहार में बिहार में वहां पर लोगों को जरूरत है लेकिन भाई हम गोवा की बात करें तो गोवा में पर कैपिटल इनकम डिफरेंट है फिर हम दूसरी बात करें तो जो इंदिरा सहानी इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कैप लगा के रखा था रिजर्वेशन का वो एक्सीड करता है 50 ज्यादा रिजर्वेशन हो जाता है तो ये दो मेजर इश्यूज थे रिजर्वेशन के साथ रिजर्वेशन के साथ मूविंग फॉर फाइनली कल श्रीलंका के कोर्ट ने थर्टीन फिशरमैन को रिलीज कर दिया फ्रॉम दी श्रीलंकन जेल जो कि है तो इंडियन फिशरमैन तो अराउंड सिक्सटी नाइन फिशरमैन अभी भी शिक्षने, टोटल फिशरमैन्स है श्रीलंकन जेल के अंदर क्योंकि वो श्रीलंका की टेरिटरी में गलत तरीके से घुस गए विदाउट एनी परमिशन और फिशिंग करी जिसके चलते श्रीलंकन कोस्टल गार्ड्स ने उनको अरेस्ट किया और प्रिजन में डाल दिया तभी एक बहुत बड़ा इशू अराइज हो गया था एंड द इशू इज अबाउट के इंडिया और श्रीलंका के बहुत सारे फिशरमैन इंडियन बॉर्डर टेरिटरी में आ जाते हैं वो भी इंडियन जेल के अंदर बंद है बहुत सारे श्रीलंकन फिशरमे लेकिन मेजोरिटी ऑफ द इंडियन फिशरमैन बंद है श्रीलंकन की जेल में तो बहुत बड़ा इशूराइज हो गया था तमिलनाडु के अंदर भी जो फिशिंग कम्युनिटी थी उन्होंने उन्होंने बेसिकली अपोजिशन उन लोगों ने बेसिकली प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है गवर्नमेंट को करना चाहिए तो फाइनली इंडियन ब्यूरोक्रेसी श्रीलंका में गई वहां उन्होंने बात करी कि हमारे रिलेशन अच्छे हैं और जो श्रीलंकन जो इंडियन फिशरमैन को आपने अरेस्ट कर रखा है वो गलत घुस गए गलती से घुस गए उन, उनका कुछ गलत इंटेंशन था नहीं इसी चीज को लेकर श्रीलंकन कोर्ट ने थर्टीन फिशरमैन्स को रिलीज कर दिया और वो जल्दी जल्दी इंडिया में आ जाएंगे अब द क्वेश्चन अराइज के श्रीलंका अरेस्ट क्यों करती है श्रीलंका जब जानती भी है तो श्रीलंका अरेस्ट क्यों कर देती है इंडियन फिशरमैन्स को उनको पता है गलती से घुसा है तो द रीजन इज एक तो पहला है कि आपने इंटरनेशनल रूल्स को तोड़ा आप हमारे बॉर्डर टेरिटरी के अंडर में आ गए बॉर्डर टेरिटरी में आ गए आप हमारी टेरिटरी में घुस के आ गए गलत तरीके से तो इसी से अरेस्ट होता है दूसरा जो मेन रीजन है कि इंडियन जो है ना वो फिशिंग करते हैं और फिशिंग देखा जाए तो वो वो यूज करते हैं और आई एम जस्ट दी टर्म ऑफ जो कि जब वो ट्रॉलर यूज किया जाता है तो वो ओशियन का जो लैंड होता है वहां से जितनी भी फिशिंग है पूरा एक बड़ा नेट होता है जो कि ओशियन लैंड से खींचते हुए उसको ले जाते हैं तो फिश पूरी जो फिशेस हैं Uh, मैराइन इकोसिस्टम है वो बहुत सारी चीजें डैमेज होती हैं तो श्रीलंका श्रीलंका उसमें बहुत ऑब्जेक्शन रेस करता है श्रीलंका में उस तरह का ट्रॉलर जो है वो बैन है ठीक है अगर मुझे राइट नाउ ओके बीच में याद so uh, right okay? आएगा तो बता दूंगा मैं अभी मूविंग फॉर सो व्हाट हैपेंड तो अभी जो बुली बाई आप को लेकर एक और यूथ को अरेस्ट कर लिया गया एक और पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया इन दैट केस एंड जो केस है ये केस मुंबई पुलिस हैंडल कर रही है ठीक है तो मुंबई पुलिस ने आज पे एडिटोरियल भी है एडिटोरियल पढ़ेंगे भी इसको एंड फाइनली पुलिस जो है एक्शन ले रही है और पुलिस ने बोल दिया है कि हम लोग हम लोगों ने एक और यूथ को अरेस्ट किया है बट हां अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है इन्वेस्टिगेशन पता लगेगा कि जिन लोगों को अरेस्ट किया है क्या वो फाउंडर है इस ऐप के कि नहीं है मूविंग फॉर ट्रॉलर इज बॉटम ट्रॉल ट्रॉल फ्रॉमेंटिव चिल्जेस्ट लेक है सोल्ट वाटर मतलब बैरकेश वॉटर बैरिकेज वाटर मतलब सी वाटर भी है और ओशन वाटर भी है तो उसको हम बैरिकेश बोलते हैं तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो बैरिकेज वाटर लेक है दैट इज चिलका लेक एंड वहां पर बहुत सारे माइग्रेटरी uh, बर्ड्स आती हैं और बहुत सारी स्पीसीज आती हैं अब माइग्रेटरी बर्ड्स क्यों आती हैं और अभी इस सीजन में क्यों आ रही द रीजन और ये माइग्रेटरी बर्ड्स आती कहां से फ्रॉम सर्बियन रीजन सर्वियन मतलब आपका रशिया का आपका ईस्टर्न पार्ट ठीक है नॉर्थ ईस्ट पार्ट वहां से और जो चाइना और मंगोलिया

आपके अफ्रीका चली जाएंगी देन वो पूरा रोडेशन घूम जाता है जब अफ्रीका में टेम्परेचर हाई हो जाता है देन दे मूव टू मंगोलिया चाइना थ्रू आपका सेंट्रल एशिया फिर उसके बाद फिर से जब वहां पर ज्यादा विंटर पड़ेगा तो इंडिया में चिल्का लेक में आ जाती है तो वही बताया कि चिल्का लेक में इस साल अराउंड 10.74 पॉइंट सेवन फोर लैक माइग्रेटरी बर्ड्स आए हैं ठीक है चिल्का लेक याद रखना चिल्का लेक वन ऑफ दी लार्जेस्ट लेक इन इंडिया लार्जेस्ट लेक इन इंडिया वन ऑफ दी लार्जेस्ट लेक इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट बैरिगेज

इरोजनल uh, आइटम्स uh, eros, eros, होते हैं वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं बीच के साइड साइड में तो ऐसे जब धीरे धीरे साइड होते हैं तो फिर वो बे बनता है जब बे बनता है फिर वो बैरियर वे बनता है बैरियर वे के बाद जो पूरा कंप्लीट हो जाता है पूरा इंक्लोज कर देता है उस uh, उस थोड़ा बीच को पूरा इंक्लोज कर देता है तो वो इंक्लोज के अंदर जो वाटर जमता है जो वाटर हो जाता कलेक्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं लगून ठीक है मूविंग फर्दर हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है

जहां पर पोस्टल बैलेट इंट्रोड्यूस किया जाएगा पोस्टल बैलेट का मतलब क्योंकि बहुत सारे ऐसे वोट्स होते हैं जो कि इंडिया uh, में नहीं आ पाते है ना लेट्स एग्जाम्पल भोपाल एंड बट आई एम फ्रॉम भोपाल माई वोटर आई डी इज फ्रॉम भोपाल ओनली बट आई एम डिसाइडिंग इन डेली ऑन सम स्पेसिफिक डे लेट्स ऑन मंडे इफ डेट्सर इज अ इफ देर इज अ इफ इज अ इलेक्शन डे आई हैव टू पुट वोट

सो so, तमिलनाडु ने बोल दिया है कि मुल्ला पैरियार को लेकर हम लोग 142 फीट तक वाटर भरवा के रखेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अभी देखा जाए तो 142 तक भरा हुआ है बट 152 फिफ्टी टू लिमिट है और 152 सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखी है बट केरला परमिशन नहीं दे रहा और केरला अलाउड भी नहीं कर रहा और एक और चीज उन्होंने बोली है वो है कि मेकधातु जो डैम प्रोजेक्ट है कर्नाटिक उसको हम स्टे लगा के रखेंगे उसको हम परमिशन नहीं देते मेके धातु जो डैम प्रोजेक्ट है ऑन द रिवर ऑफ कावेरी वो आगे बढ़े मूविंग फर्दर ऑन दी अगेन ऑन स्टेट न्यूज वन ऑफ मोस्ट न्यूज इन पेपर सो इट्स फ्रॉम आसम सो वट है हमने याद करो हम दो तीन महीने पहले हमने न्यूज पढ़ी थी जब हेमंत विश्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने एक चीज अनाउंस करी थी उन्होंने बोला था कि जो गवर्नमेंट इंप्लॉईज हैं ऑफिशियल्स हैं मिनिस्टर्स हैं Of their schedule, वो अपने या से नहीं मिल पाते पास नहीं होता तो इसीलिए आप, 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 आप ले सकते हो साल में चार दिन की और वो चार दिन आप अपने पेरेंट्स या इन लॉस के साथ बिताओगे तो वो फोर एक्स्ट्रा हॉलीडेज होंगी है ना गवर्नमेंट ऑफिशिय मिनिस्टर्स के लिए लेकिन एक चीज उन्होंने बोला था कि ऐसा नहीं है भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो टाइम बोल बोल के तो जाते हैं छुट्टी लेके जाते हैं बट लीव लेके जाते हैं बट दे 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 डोंट डोंट स्पेंड टाइम विद देयर पेरेंट्स और इन लॉज सो इसी के चलते एक पोर्टल खोला जाएगा उस पोर्टल में आपको प्रूफ करना होगा आपको फोटोग्राफिक एविडेंस देना होगा कि दैट आई हैव स्पेंड टाइम विद माई पेरेंट्स एंड इन लॉज और इन लॉज ओके एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज के ये जो सिस्टम है ये इन द मंथ ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो गया मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा तो कल से लोग छुट्टी ले सकते हैं मूविंग फॉर्दर सो आज के हम एडिटोरियल की बात करें तो आज हमारे दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है सेकेंड वन इज इट्स अबाउट दी द आईलैंड ऑफ एक्सीलेंस मस्ट नॉट बी मरूंड इसको, बन is, the, uh, the इसको बन पढ़ने वाले हैं तो ये देखा जाएगा दोनों टेरिटोरियल ये पहला जो वाला एडिटोरियल इट्स रिटन बाई वाइस चांसलर ऑफ आर जी एन एल यू जे एस वाजपेयी और उन्होंने एनएलूज नेशनल यूनिवर्सिटीज की जो प्रॉब्लम है और एन वी रमाना ने जो स्टेटमेंट दिया था नेशनल यूनिवर्सिटीज को लेकर उससे रिलेटेड लिखा गया तो थोड़ा सा उसमें बताया गया कि नेशनल यूनिवर्सिटीज में क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं वो बताने की कोशिश करी गई और कैसे हम इंडिया में लीगल नॉलेज को और ज्यादा एक्सीलेंस फैला सके चलो तो फर्स्ट विल डिस्कस फर्स्ट विल टेक ओवरव्यू ऑफ दिस एडिटोरियल दैट्स अबाउट द मैसेज फ्रॉम मुंबई यहां पर जो ऑथर ने यहां बताने की कोशिश करी है तो वो ये बताने की कोशिश करी है कि अभी देखा जाए इंसिडेंट हो रहा हेट स्पीच का इंसिडेंट हुआ हरिद्वार में ठीक है डेही में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे बट दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस और आपकी उत्तराखंड पुलिस ने इतना ज्यादा एक्शन नहीं लिया लेकिन अब वही बात हम मुंबई पुलिस की बात करें तो जहां पर महाराष्ट्र में शिवसेना का शिवसेना की जो गवर्नमेंट है कोलिजन गवर्नमेंट है तो मतलब देखा भी भी उनकी आइडियोलॉजी है हिंदुत्व वाली। और शिवसेना की कोई हिंदुज वाली है तो जेनोफोबिया बोल सकते हैं जेनोफोबिया मतलब हेट, आ, फियर फ्रॉम ह्यूमन बींग में फियर है फ्रॉम दी मुस्लिम्स और अदर रिलीजन तो ये ऐसा फियर फैलाते हैं बीजेपी फैलाती है आपका आपका शिवसेना भी ज्यादा फैलाती है तो ऑथर का कहना है कि बहुत सरप्राइजिंग से हमें ये पता लगा कि जो अभी ऐप आया और उस ऐप के थ्रू जो मुस्लिम को ऑक्शन किया जा रहा था उनका जिससे उनकी इंटीग्रिटी और जो उनका उनको मेंटली हरासमेंट फील हो रहा था उसके अगेन उन्होंने कितना स्ट्रिक्ट एक्शन दिया मतलब बहुत जल्दी रैपिड तरीके से उन्होंने एक्शन लिए और चार लोगों को अरेस्ट भी कर लिया तो ये बताता है कि जो गवर्नमेंट जो माइनॉरिटीज के खिलाफ हेटरेट फैलाती थी गलत बोलती थी उन्होंने माइनॉरिटीज वुमेन्स को लेकर उनके इश्यूज को लेकर कितने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए कितने रैपिड एक्शन लिए और अथर का यह कहना है कि यह चीज उन्होंने मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया है इस इस एक्शन एक्शन ये जो लिया है एक्शन से दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस एंड आपका उत्तराखंड पुलिस को सीखना चाहिए कि कैसे एक्शन लेना है अगर किसी के ह्यूमन राइट right या हेट स्पीच या जेनोफोबिया टाइप के कुछ इंसिडेंट्स होते हैं तो और उसके साथ साथ थे कोई, 40, आ, कुछ अगेंस्ट स्पीचेस दी थी और नासुराम गोडसे को उन्होंने अप्रेज किया था सो इसी के लिए उनको भी अरेस्ट किया गया मुंबई पुणे पुलिस ने उनको अरेस्ट किया सो ये बताता है कि कैसे गवर्नमेंट जो है जरूर उनकी पॉलिटिक्स जेनोफोबिया में चलती है बट वेन दे आर इन गवर्नमेंट Uh, when, when, when the the तो हाँ, के अरेस्ट किया गया अभी पता नहीं है क्योंकि वो बेसिकली वो बेसिकली सब्सक्राइबर्स थे ठीक है एंड uh, उनको फॉलो बैक किया जा रहा था उस एप में और अभी ये पता नहीं है कि वो ऐप उन्होंने क्यों बनाया वट आर दर इंटेंशन टू वट वर देशन बिहाइंड

उन्होंने यूएस को अप्रोच किया और बोला है कि भाई जो टॉक्सिक एप्स है उनको इंफॉर्मेशन आप हमें देनी पड़ेगी क्योंकि इंडिया में ये हिट रेट फैलाते हैं मूविंग फॉर चलो सो विल मूव टू दी आर इंपॉर्टेंट रिटोरियल एंड दैट इज अबाउट दी नेशनल यूनिवर्सिटीज, so, है क्या देखो अभी रमन्ना एक एक जगह गए थे उन्होंने चीज एड्रेस करी, एड्रेस तो चीजें कर, कर, कुछ कमेंट्स दिए स्पेशली अबाउट नेशनल यूनिवर्सिटीज उन्होंने बोला कि जो है वो देखा जाए तो अब उनको हम एलिट 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 क्लास यूनिवर्सिटीज मानते हैं बट डिटेस्ट फ्रॉम सोशल रियलिटीज मतलब जैसे कि हम एलिट मानते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी में वन तो ऑफ दी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनमें सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं तो मतलब एलिट हमने उनको बना दिया बट वो यूनिवर्सिटीज जो है और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो डिटेस्ड है सोशल रियलिटीज है उनको नहीं पता कि सोशल रियलिटीज है क्या कैसे लोगों के राइट्स ब्रीच होते हैं तो उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि लीगल फील्ड में हमें थ्योरोटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज देने की ज्यादा जरूरत होती है लेकिन नेशनल यूनिवर्सिटीज में प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा

ही नहीं होते मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते ही नहीं है ये चीज़ बताया और वहीं जब ट्रायल पता लगता है, तभी आपको पता लगता है कि भाई क्या आप लोगों के ब्रीच होते हैं लोग किस कंडीशन में केस फाइल करते हैं कितने केस फाइल नहीं होते रियलिटी में तो उनका यही कहना था फिर उन्होंने बोला उनका कहना था कि अगर ऐसी चीजें चलती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि नेशनल यूनिवर्सिटीज का शायद खत्म हो जाए लीगल लीगल फील्ड में लीगल रिसर्च से लेकिन ऑथर का का कहना है है कि स्टेटमेंट दो बातों पे करता है। पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला कि जब हम बात करते हैं नेशनल यूनिवर्सिटीज की तो नेशनल यूनिवर्सिटीज एलिड यूनिवर्सिटीज क्यों बन गई उनको हमने एलिड इंस्टीट्यूट एलिड इंस्टीट्यूशन क्यों बोल दिया हमने इसी वजह से उनको टैग दिया क्योंकि वहां पर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लेसमेंट लेते हैं कॉर्पोरेट फॉर्म्स में लॉ फॉर्म्स में इसलिए लोगों तो के प्लेसमेंट जल्दी हो जाता है पैसा ज्यादा मिलता है तो बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट मैं एनवी रमन्ना के स्टेटमेंट को मेजोरिटी स्टूडेंट बारे में एनरोल नहीं होते प्रैक्टिस नहीं करते बट इनका स्टेटमेंट कॉन्ड्रिक्ट करता है कि भाई नेशनल यूनिवर्सिटीज एलई यूनिवर्सिटीज की वजह से है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट जॉब्स करते हैं लॉ फॉर्म उनका प्लेसमेंट होता है दूसरा

बट वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो राइज हो रही जो है सारे नेशनल यूनिवर्सिटीज में वो यही है कि अब उन सबको ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज डिक्लेयर कर दिया जा रहा है और उसके साथ साथ अगर ऑटोनॉमस नहीं डिक्लेयर किया जा रहा तो वहां पर डोमिसाइल रिजर्वेशन और बहुत सारी चीजें जो है गलत तरीके से uh, एडमिशन कराए जाते हैं ये रियलिटी है मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है देन फिर आगे बताया कि अब कैसे जो ने जो उन्होंने नेशूज किए इशूज बताए उनको कैसे एड्रेस किया जा सकेगा

अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहली बात कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और बार काउंसिल ने जो रिजिड फ्रेमवर्क बनाया है उसको चेंज करने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई इतना मिनिमम टाइम टीचर को थ्रिटिकल नॉलेज देना पड़ेगा तो आपको पहला पॉइंट तो यह करना पड़ेगा कि फैकल्टीज जो मिनिमम नंबर ऑफ लेक्चर्स लेती है पर आर पर वीक उनको रिड्यूस करना पड़ेगा दूसरा देर शुड बी सेपरेट फैकल्टीज फॉर टीचिंग एंड रिसर्च रिसर्च की अलग फैकल्टीज टीचिंग की अलग फैकल्टीज होनी चाहिए थर्ड, उनका यह कहना था कि रिसर्च एकेडमिक्स होनी चाहिए प्रमोट होनी चाहिए इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स में और ऐसे स्कीम्स और इंसेंटिव लानी चाहिए अगर कोई रिसर्च करता है तो मतलब रिसर्च रिसर्च को दिखाने का अट्रेक्टिव दिखाने के लिए हमें कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा ये चीज करो फिर दूसरा बताया इंटरनल इश्यूज है, है ना

जरूरी नहीं कि आप इंटरनेशनल टीचर्स को भी लेके आओ नेशनल यूनिवर्सिटीज में नहीं जरूरत इस बात की है कि उस टीचर को आप प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हो जिससे वो बच्चों को सही तरीके से एजुकेशन या नॉलेज इंपार्ट कर सके ठीक है दूसरी चीज उन्होंने बनाई दूसरी तीसरी चीज उन्होंने बताई है कि देखा जाए तो देर इज एन देर इज एन इन एबिलिटी ऑफ लीडरशिप टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स फैकल्टीज एंड स्टाफ यूनिवर्सिटीज में लीडरशिप है ही नहीं जो एड्रेस कर सके फैकल्टीज के इशू को स्टूडेंट्स के इशू को स्टाफ के इशूज को है ही नहीं थर्ड चीज उन्होंने बताई कि देखो हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ पे उतना ही फोकस करना पड़ेगा जितना हम अभी थ्योरी पे करते हैं ठीक है फिर उन्होंने बोला कि देखा जाए तो लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट होता है और अंडर ग्रेजुएट होता है मतलब एलएलबी एंड उसके बाद एलएलएम मास्टर डिग्री भी होती है तो हमें यूजी लेवल पर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा देने की जरूरत है एज कंपेरिजन टू दी थ्योरेटिकल नॉलेज और वही है जो प्रैक्टिक जब हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट में हमें थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा देने की जरूरत है ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज क्योंकि वो यूजी में लेके आ गया देन फिर उन्होंने बोला कि लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म के लिए हमें क्या करना चाहिए तो उनका सिंपल सा कहना है कि अभी जो यूनी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सिर्फ लॉ के फील्ड में ही काम करती है हमें उनको मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफर करना पड़ेगा मतलब लॉ के साथ साथ हमें और कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे नेशनल यूनिवर्सिटीज में जिससे लोग एक तरीके से लोग एक तरीके से जो नॉलेज है वो अप्लाई कर सके लीगल नॉलेज अप्लाई कर सके किसी और फील्ड में भी जैसे आप जैसे आप जर्नलिज्म करा लो अगर नेशनल यूनिवर्सिटीज में जर्नलिज्म होने लगे तो सबसे अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि जर्नलिज्म में वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड नो योर राइट एंड यू शुड नो अनदर पर्सन राइट ठीक है तो अगर आपको अपने राइट पता है अगर आपको दूसरे पर्सन के राइट पता है सिटीजन की राइट पता है आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता है तो फिर आप जर्नलिज्म कर सकते हो आपको पता है कि आपके हक क्या है तो आप आराम से किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हो पता आप बता उसको उसको कंपल कर सकते हो कि आपको बताने की जरूरत है तो ये सारी चीज उन्होंने बताई है कि हमें जो सिंगल डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज है उनको हमें मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा मूविंग नेशनल नेशनल यूज यूज सो और यहां पर जो, जो यही है कि बिकॉज बिकॉज ऑफ ऑफ दिस द फियर ऑफ ओमिक्रॉन वेरियंट एंड बिकॉज ऑफ थर्ड वेव जो रिपब्लिक प्रोग्राम है उसके प्लान में शायद शेड आ सकता है डिस्टर्बेंस आ सकती है और इस 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 रिपब्लिक डे में हमने फाइव सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के जो चीफ हैं उनको इनवाइट किया है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान क्रिगिस्तान क्रिक रिपब्लिक इन सबके चीफ्स को उसके साथ साथ अभी एक और टेंथ जनवरी से ट्वेल्थ जनवरी के बीच में एक और समिट होने वाली है वाइब्रेंट गुजरात समिट एंड इस समिट में अराउंड ट्वेंटी सेवन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आने वाले आएंगे तो इस पे भी इनके प्लान पे भी शायद क्लाउड आ जाए मूविंग <laughs> फॉर्दर सो so, गुजरात हाईकोर्ट एक केस केस सुन रहा था अबाउट दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर एंड जब कंटेम्प्टर ने हिंदी बोलना स्टार्ट किया गुजराती बोलना स्टार्ट किया तो गुजरात हाईकोर्ट ने उसको टोक दिया उसने गुजरात हाईकोर्ट ने सिंपल सी बात बोली कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट है ना इंग्लिश अकेली भाषा है इस कोर्ट के अंदर आपको इंग्लिश में ही आंसर करना पड़ेगा आपको इंग्लिश में ही ऑब्जेक्शन रेस करने पड़ेंगे कंटेप्टर को बोला फिर तो फाइनली कंटेप्टर ने इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करी लेकिन गुजरात हाईकोर्ट लिस्ट विबन रावत, विबन रावत की वाइफ एंड ट्वेल्व अदर लोगों की डेथ हुई थी उसमें यही बताया गया राजनाथ सिंह ने बोला था कि जल्दी से उसपे इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी फाइनली इन्वेस्टिगेशन हुई और रिपोर्ट जो है राजनाथ सिंह को दे दी गई राजनाथ सिंह को ब्रीफ भी कर चेंज क्या -क्या करने पड़ेंगे हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे सॉरी है ना क्या क्या हमें चेंजेस करने हैं और हमें क्या क्या प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने की जरूरत है जिससे ये जो इंसिडेंट्स है वो फ्यूचर में ना हो या हम उनको प्रिवेंट कर सके मूविंग फर्दर मुस्लिम so so, uh, का उसको लेकर एक्टिविस्ट ने सी जी आई से हेल्प मांगी है लेकर कुछ करिए आप, आप कंपेयर करिए गवर्नमेंट को आप कंपेयर करिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को आप कंपेयर करिए लोअर कोर्ट को हाइयर कोर्ट हाई कोर्ट को कि आप कुछ एक्स्ट्रा एक, कुछ एक्स्ट्रा एक्शन लिया जाए इन एप्स के फाउंडर्स के ऊपर और इन मेंटल हरासमेंट और जो मेंटल हरासमेंट झेलना पड़ रहा है इन को उनको उनको हम कैसे रिकवर कराया जाए मूविंग फॉर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सिंपल सी बात बोली है कि थर्ड वेव आ जाए फोर्थ वेव आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन डॉक्टर्स और जो डॉक्टर्स के स्टाफ है मेडिकल स्टाफ है वो आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा आप ये इंश्योर करेंगे हर हर हॉस्पिटल हर इंश्योर करेगा कि कोई भी डॉक्टर कोई भी हॉस्पिटल का स्टाफ आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं करने वाला हैंग में so इंडिया की फ्लाइट इंडिया के साथ साथ सेवन अदर कंट्रीज की आने वाली फ्लाइट हांगकॉग में बैन कर दी है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ ओमिक्रॉन वेरियंट सो एशियन समिट हुई थी एशियन समिट में कंबोडिया uh, के जो बेसिकली रीजनल ब्लॉक के जो चेयरमैन uh, है उनका यह कहना है कि म्यांमार में ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि सिविल वॉर वहां पर हो सकता है सो म्यांमार है इंक्रीडियंट फॉर सिविल वॉर क्योंकि वहां पर लास्ट ईयर से मिलिट्री कू लगा हुआ है सो so, तालिबान का अगेन एक ऐसा एक, एक एक लॉ आया जो कि uh, थोड़ा सा हंसने वाला लो है मतलब बोल सकते हो उनका सिंपल सा ये कहना है कि आप मैनेकइंस होते हैं मतलब डमी ह्यूमन फिगर अगर आप कभी शॉपिंग करने गए होगे होगे मॉल में गए तो मैनेक्स खड़े होते हैं ह्यूमन ह्यूमन फिगर होता है इस पर बेसिकली कपड़े वपड़े पहनाए जाते हैं उसको कि भाई अगर ये ह्यूमन पैसा पहने देखेगा तो भाई मैनेक्विंस तो उनका ये कहना है कि आप मैनेक्वाइंस को रखो हमें कोई दिक्कत नहीं है बट उनका हेड हटा दो आप उनका चेहरा हटा दो उसका सिर हटा दो अगर आप चेहरा ढक रहे हो या वो कर रहे हो तो दिस इज अगेन दी आपका शारिया लॉ शारिया लॉ के अगेंस्ट में है जिसके चलते आपको ये मैनिकुइन से हेड हटाने की जरूरत है तालिबान ने शॉप्स को ऑर्डर कर दिया है कि आप मैनिकोइन को बीहेड कर दीजिए मूविंग फर्दर बिजनेस न्यूज में ऐसे कुछ न्यूज नहीं है अगेन जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सेम गोज स्पोर्ट्स न्यूज सो दिस इज दी एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज पेपर हम लोग कल फिर मिलेंगे with some exciting news, some exciting credit affairs. Till then, bye-bye, have fun, and enjoy your day. Bye-bye, guys.